गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने एक्सेल का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, जब हम लोग एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल में डैशबोर्ड प्रिपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं और डेटा को बहुत ही बेहतर तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ए डैशबोर्ड। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मैजिकल वे में हम एक्सेल में इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहेगा आप लोगों के लिए। सो चलिए सिस्टम पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल विच इज हैविंग वन शीट, और इस शीट में बेसिकली रीजनल सेल्स का डेटा है। रीजन वाइज अगर आप देखोगे सो दीज आर द मंथ्स, एक साल का पूरा डेटा है, एंड दीज आर द डिफरेंट रीजन और उनका सेल्स का फिगर्स है। सो बेस्ड अपॉन दिस डेटा वी आर गोइंग टू क्रिएट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड यूजिंग हाइपर लिंक्स इन एक्सेल। चलिए, सो मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर क्रिएटिंग वन शीट। एक शीट मैं क्रिएट करूंगा जिसमें कुछ कैलकुलेशंस करूंगा, बिकॉज डैशबोर्ड डायरेक्ट नहीं बन सकता है डेटा से। डेटा से मुझे कुछ इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, एंड बेस्ड अपॉन दैट कैलकुलेशंस वी आर गोइंग टू पॉपुलेट द डैशबोर्ड। सो लेट्स क्रिएट अ शीट और इसका नाम रख देता हूं कैलकुलेशन। डन। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं एक फॉर्मेट उठा के लेके आता हूं, जस्ट वन फॉर्मेट। सो मंथ और रीजन का कॉलम उठाता हूं, कंट्रोल सी, और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं, लेट्स से दिस वन। नाउ अब मुझे क्या करना है, बेस्ड अपॉन ए फॉर्मूला मैं चाहता हूं कि यहां पर अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ का डेटा आए, अगर यहां पर मैं कर देता हूं साउथ तो नीचे साउथ का डेटा आए। सो पहले ये पार्ट मुझे करना पड़ेगा, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल बी यूजिंग वी लुकअप। लेट्स सी। सो इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस वन, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे इज दिस वन। सो विल फिक्स द डेटा, कॉमा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज मैच। सो मुझे किसी एक कॉलम का डेटा चाहिए बेस्ड अपॉन द हेडर्स। सो मैच, व्हाट वुड बी द लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मैच का क्या होगा, आई विल गो टू दिस वन एंड दिस वुड बी द लुकअप वैल्यू विच इज बी वन, और मैं यहां पर फिक्स कर देता हूं। वी कैन रिमूव दिस कैलकुलेशन शीट, बिकॉज एक्टिव शीट में शीट के नाम की जरूरत नहीं है, अगर रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ लुकअप एरे, लुकअप एरे अगेन डेटा शीट में जाऊंगा, एंड आई विल गो विद दिस वन, लेट्स फिक्स, कॉमा एग्जैक्ट मैच जीरो। ये हो गया आपका कॉलम इंडेक्स नंबर, देन रेंज लुकअप इज फॉल्स, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नाउ आई एम गेटिंग दिस डेटा फॉर साउथ, लेट्स डू इट नॉर्थ। सो दिस इज गिविंग मी द एग्जैक्ट डेटा बेस्ड अपॉन द हेडर्स, राइट। अब देखिए क्या करना है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट ए चार्ट। एक चार्ट मुझे करना है, जो भी यहां पर डेटा होगा बेस्ड अपॉन दिस डेटा आई वॉन्ट टू क्रिएट ए चार्ट। सो आई गो विद दिस इंसर्ट, और इंसर्ट में आई कैन क्रिएट दिस चार्ट। लेट्स क्रिएट द बेसिक चार्ट, ताकि आपको थोड़ा सा सिंपल वे में समझ में आए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस वन। सो दिस इज गिविंग द डेटा फॉर नॉर्थ, नाउ लेट्स चेंज इट टू साउथ, ये साउथ का आ गया, लेट्स ईस्ट, ग्रेट, और यहां पर कर देता हूं वेस्ट। सो एक चीज तो आ गया कि जो भी यहां पर डेटा होगा बेस्ड अपॉन दिस डेटा वी आर गेटिंग दिस चार्ट, एंड दिस इज डायनेमिक बेस्ड अपॉन दिस सेल। नाउ लेट्स क्रिएट द थर्ड शीट, और वहां पर हम देखेंगे द हाइपरलिंक मैजिक। लेट्स गो टू द थर्ड शीट जो हम क्रिएट करेंगे, विच इज डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स गो टू दिस शीट, और मैं इसको एक काम कर लेता हूं, लेट्स कॉपी दिस वन हेडर्स, और मैं डैशबोर्ड में जाता हूं, और डैशबोर्ड में यहां पर कर देता हूं। सो मैं यहां पर स्पेशल वैल्यूज कर देता हूं, राइट। अब मैं इस कॉलम को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा ताकि वो शीट में आ जाए प्रॉपरली, इस तरह से, दिस इज परफेक्ट। नाउ लेट्स डू सम मॉडिफिकेशन, तो मैं यहां पर सेंटर अलाइन कर देता हूं लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, अभी आपको पता चल जाएगा कि व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग्स, ग्रेट। चलिए, नाउ लेट्स
make it as dark कर देता हूं, like this. और इसमें जो भी आपके हैं उसको color कर देता हूं white. Perfect. इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं. Let's make it as Tahoma. Now let's do this. ये हो गया. अब मैं क्या करूंगा, लेट्स ब्रिंग दैट चार्ट इनटू दिस वन. तो मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूं एंड आई एम गोइंग टू दिस डैशबोर्ड सीट और डैशबोर्ड सीट में जाके पेस्ट कर देता हूं. अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अरेंज करता हूं दिस वन, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं बेस्ड अपॉन दिस. इस तरह से कर दिया मैंने. और यहां पर जितने भी अनवांटेड कॉलम्स एंड रोज है ना, थोड़ा सा इसको कर देता हूं एंड दिस वन ऑल्सो लाइक दिस. इसको थोड़ा सा सेंटर रखता हूं ताकि स्क्रीन पे ठीक बेटर दिखे. परफेक्ट. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद दिस व्यू और व्यू में मैं ग्रिड लाइंस को हटा देता हूं. अब इसके बाद का कुछ मेजर अभी हमें वर्क करना है इसमें. अब मैं चार्ट को थोड़ा सा बेटर करता हूं. व्हाट आई विल डू, राइट क्लिक एंड फॉर्मेट डेटा सीरीज. सो आई विल बी गेटिंग दिस वन. इसमें मैं गैप विड्थ को थोड़ा सा छोटा करता हूं लाइक दिस, राइट 44. इसको कर देता हूं मैं 30%. दिस वन. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं. अब इसमें मैं सिलेक्ट करता हूं एंड आई एम गोइंग टू चेंज द कलर. मतलब जो भी आपको इसमें मॉडिफिकेशंस करना है ना, जो ब्यूटिफिकेशन है उसको हम करेंगे. देन वी विल सी द हाइपरलिंक वाला पार्ट व्हिच इज द हार्ट ऑफ दिस डैशबोर्ड. सो व्हाट आई विल डू, मैं इसे सिलेक्ट करके आई विल क्लिक ऑन फिल. मैं यहां पर कर देता हूं, लेट्स मेक इट एज ग्रीन. और ग्रीन में भी ना आई विल गो विद दिस ग्रेडियंट, दिस वन. परफेक्ट. इसमें और क्या कर सकते हैं, लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस चार्ट टू लाइट ग्रे लाइक दिस, दिस वन. परफेक्ट. अभी देखिए ये चार्ट जो है ना, दिस इज द चार्ट फॉर ईस्ट. सिर्फ ईस्ट का दिख रहा है यहां पर, बिकॉज यहां पर आपके ईस्ट है. अगर मैं यहां पर करता हूं वेस्ट, सो आई विल बी गेटिंग द डैशबोर्ड फॉर वेस्ट. देखा आपने, वेस्ट का डेटा आ गया. सो व्हाट आई विल डू, मुझे कुछ ऐसा ट्रिक लगाना है ताकि मैं यहां से इस शीट से उसको कंट्रोल कर सकूं. जिस भी रीजन का मुझे डैशबोर्ड देखना, आई कैन मैनेज दिस फ्रॉम दिस शीट ओनली. सो व्हाट आई विल डू, अब हम अपना काम करेंगे विच इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस वन. सो लेट्स, एक काम करता हूं मैं, एक रो को डिलीट कर देता हूं और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि नीचे भी वो एडजस्ट हो जाए लाइक दिस. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मुझे एक हाइपरलिंक फंक्शन को यूज करना है विच इज देयर इन एक्सेल, इक्वल्स टू हाइपरलिंक. और हाइपरलिंक फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक्स एंड दिस इज द ओनली फंक्शन जहां पर मैं कर्सर भी रखूंगा ना सेल में, इट कैन परफॉर्म द एक्शन. क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी लिंक में अगर आप कर्सर रखते हो, मतलब जस्ट वहां पर माउस को होवर करते हो, माउस को रोल करते हो, वहां पर एक एक्शन परफॉर्म होता है, बी इट बी एनीथिंग. सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दिस ट्रिक टू गेट द डायनेमिक डैशबोर्ड. बट सिर्फ अगर मैं हाइपरलिंक को यूज करूंगा तो काम नहीं बन पाएगा. आई हैव टू डू इट सम अदर वे. मुझे उसमें कुछ इंटरमीडिएट कुछ और काम कराना है एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्मॉल VBA कोड, छोटा सा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए फंक्शन. जो फंक्शन एक्सेल में एग्जिस्ट नहीं करता है, हाइपरलिंक इज देयर इन एक्सेल, बट हाइपरलिंक के साथ मैं एक और फंक्शन को यूज करना चाहता हूं, दैट आई हैव टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल VBA कोड. जी हाँ दोस्तों, एक मैक्रो बनाना पड़ेगा दैट विल बी यूज्ड अंडर द हाइपरलिंक फंक्शन. लेट्स सी. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑल्ट F11 टू गो टू द VBA एडिटर. या तो मैं राइट क्लिक करके भी जा सकता हूं व्यू कोड. सो बेटर टू गो विद दिस ऑल्ट F11. सो ऑल्ट F11 में जैसे गया, सो दिस इज शोइंग Microsoft Visual Basic for Application. This is known as VB Editor. So I'll right click और करूंगा insert module. आप इस जगह पे कहीं पर भी right click कर सकते हैं. This is the VBA project for interactive dashboard, जो मेरा file का नाम है. So you can right click on any of these objects. Right click, insert module. So मुझे एक module मिल गया. So module क्या होता है? Modules are the code sheet, जहां पर मैं code लिखूंगा. Now what I'll do? I'll create a function. And the name of the function is send data. और इसमें मैं ले लूंगा my reason as string. String क्यों? क्योंकि ऐसे data मैं treat करूंगा. Now what it will do? My reason क्या होगा?
मैं आपको बताता हूं बेसिकली माय रीजन क्या है। एग्जांपल लेता हूं नॉर्थ, तो जो भी उस फंक्शन में मैं अगर नॉर्थ को पास कराता हूं, सो ये वैल्यू जो भी मैं पास कराऊंगा दैट शुड गो इनटू दिस रीजन B1, मतलब कैलकुलेशन सीट के B1 में वो पहुंच जाएगा और जैसे वो अपडेट होगा इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट द डैशबोर्ड। लेट्स सी, आई विल गो विथ ऑल्ट F11 अगेन। सो वर्कशीट्स कैलकुलेशन, मतलब शीट का नाम, डॉट रेंज विच इज B1 इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आएगा जो भी मैं माई रीजन पास कराऊंगा, दैट कुड बी एनीथिंग A, B, C, X, Y, Z। तो हमारे केस में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो उसमें से कुछ हो सकता है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट माई रीजन, मतलब एक ये डायनेमिक फंक्शन बन गया कि ये फंक्शन का काम क्या रहेगा कि मैं कोई भी चीज पास कराता हूं एनीथिंग, सो दैट वैल्यू विल गो इन द कैलकुलेशन सीट इन द रेंज B1। लेट्स क्लोज दिस, और क्लोज करने के लिए आप यहां से भी कर सकते हैं एंड वी कैन गो विथ ऑल्ट F11 ऑल्सो। लेट्स डू दिस नाउ। व्हाट आई विल डू, अब देखिए यहां पर अब हमें करना क्या है, इक्वल्स टू हाइपरलिंक। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज अनदर फंक्शन, एक और फंक्शन को हम यूज करेंगे विच इज सेंड डेटा, दिस वन, एंड आई विल सिलेक्ट दिस वन बिकॉज आई वॉन्टेड टू सेंड दिस रीजन टू दैट B1 ऑफ कैलकुलेशन सीट। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, परफेक्ट। अब देखिए ये एक एरर आएगा बट कोई दिक्कत नहीं, आपने देखा यहां पर जैसे ही मैंने कर्सर रखा आई एम गेटिंग दिस नॉर्थ। मैं क्या करूंगा, लेट्स कॉपी दिस वन, कंट्रोल वी। अब एक चीज देखिए, ईस्ट वेस्ट, देखा आपने जैसे मैं कर्सर रख रहा हूं ना आई एम गेटिंग दिस डैशबोर्ड। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना, आई हैव टू रिमूव द एरर्स एंड ब्यूटिफाई दिस ऑप्शन। सो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज दिस वैल्यू एरर टू एक एरो, डाउन एरो मुझे करना है, और डाउन एरो कैसे होगा, वी हैव टू यूज सम सिंबोलिक फॉन्ट्स। एक बार देखते हैं सिंबोलिक फॉन्ट्स क्या है, कौन से फॉन्ट्स को हम यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू यूज द वेबडिंग्स फॉन्ट, वेबडिंग्स एक बार दिखाता हूं मैं आपको। सो आई विल बी गोइंग टू यूज दिस वन विच इज वेबडिंग्स, ये सभी वर्जन में आपके होंगे वेबडिंग्स, दिस वन, और इसमें एक 6 होता है विच इज रेफर टू द डाउन एरो। अगर मैं 6 लिखूंगा सो डाउन एरो पहुंच जाऊंगा मैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द फॉन्ट ऑफ दिस टू वेबडिंग्स। उससे पहले क्या करूंगा, लेट्स यूज इफ एरर बिकॉज टू रिप्लेस दिस एरर वी हैव टू यूज अ फंक्शन विच इज इफ एरर। इफ एरर, दिस इज द वैल्यू, अगर एरर आता है देन आई विल अपडेट विथ 6, एंटर। सो दिस इज शोइंग 6, 6, 6, 6, ये करना है। तो व्हाट आई विल डू, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। नाउ अब इसमें कुछ मेजर चेंजेस है वो हम कर लेते हैं अभी। द फर्स्ट वन सेंटर करना है, तो दिस इज वर्किंग सेंटर, देखा आपने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल को हमने सेंटर कर दिया। नाउ दिस इज वर्किंग, अब मुझे क्या करना है, लेट्स चेंज द फॉन्ट टू वेबडिंग्स, परफेक्ट। अंडरलाइन हटा दूंगा मैं, नाउ आई एम गेटिंग लाइक दिस। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा और बेटर करना है, सो लेट्स चेंज द साइज, थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूं, दिस इज परफेक्ट 28। आप अपने हिसाब से अपने डेटा में साइज को ठीक एडजस्ट कर सकते हैं, राइट, अपने हिसाब से आप कोई भी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ एक और मॉडिफाई करते हैं, क्या करना है, लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस वन टू, बाय डिफॉल्ट जो कलर है इसको मैं कर देता हूं फॉन्ट कलर को दिस वन, दिस इज द फॉन्ट कलर। नाउ जैसे मैं कर्सर रखूंगा किसी में भी, देखिए एग्जैक्टली ये नहीं पता चल रहा कि मेरा कर्सर कहां पर है, फ्रॉम दिस चार्ट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि ये वेस्ट का डेटा, बट थोड़ा सा अगर ये कलर में भी चेंजेस हो जाए देन इट वुड बी ए परफेक्ट वन। सो मैं क्या करूंगा, आई विल बी यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दो चीज करूंगा, एक तो ये बैकग्राउंड कलर यहां पर कर दूंगा डिफरेंट, और इसके जो फॉन्ट कलर है एरो का कलर दैट शुड बी डिफरेंट। लेट्स सी, सो सबसे पहले मैं इस पे काम करता हूं, आई विल सिलेक्ट दिस वन, आई विल गो विद दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जाऊंगा, लेट्स गो टू न्यू रूल, और यहां पर यूज ए फॉर्मूला कर देता हूं, नाउ इक्वल्स टू दिस वन B2, जहां पर मेरा 2 फिक्स होगा
and B, C, D changes हो रहे हैं लाइक दिस शुड बी इक्वल्स टू ये वैल्यू और एट ए टाइम कोई एक ही वैल्यू इसके बराबर होगा और जो भी होगा उसमें क्या करना है आई हैव टू चेंज द कलर लेट्स गो विद दिस फिल कलर और यहां पर कर देता हूं रेड रेड बेटर रहेगा या ये कर देता हूं रेड इज बेटर रेड कर देता हूं या आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं ओके ओके दिस वन परफेक्ट देखा आपने नाउ दिस इज कमिंग लाइक दिस इज कमिंग नाउ लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस वन सो आई विल सिलेक्ट दिस वन आई विल यूज द सेम लॉजिक कंडीशन फॉर्मेटिंग न्यू रूल यूज ए फॉर्मूला इक्वल्स टू दिस वन फिक्स द रो दिस वन F4 से मैंने किया सो F4 को आप जैसे रिपीटेड टाइम्स करेंगे ना तो वो टॉगल होता रहेगा इक्वल्स टू कैलकुलेशन सीट में जाऊंगा सिलेक्ट दिस वन नाउ चेंज द कलर फॉन्ट कलर में जाऊंगा नॉट द फिल कलर फॉन्ट कलर में लेट्स मेक इट एज रेड ओके ओके डन देखा आपने नाउ दिस इज वर्किंग परफेक्टली ये काम कर रहा है बहुत अच्छे से अब मुझे क्या करना है वी कैन रिमूव दिस हेडर्स इसकी जरूरत नहीं पड़ती है आई विल गो विद व्यू टैब और व्यू टैब में हेडिंग्स को हटा देते हैं दिस वन अब मुझे एक चीज और करना है ये दिखा रहा है साउथ सो इस पे थोड़ा सा डायनेमिक टेक्स्ट मुझे चाहिए डायनेमिक टेक्स्ट क्या चाहिए ईयरली सेल्स फॉर वेस्ट रीजन ईयरली सेल्स फॉर ईस्ट रीजन ये थोड़ा सा आना चाहिए नाउ व्हाट आई विल डू आई विल गो विद दिस कैलकुलेशन सीट और मैं यहां पर क्या करूंगा लेट्स क्रिएट ए फॉर्मूला इक्वल्स टू ट्रेंड एनालिसिस कर देता हूं ट्रेंड एनालिसिस फॉर एंड दिस एंड रीजन लाइक दिस ट्रेंड एनालिसिस फॉर ईस्ट रीजन नाउ आई विल गो विद दिस डैशबोर्ड यहां पर जाऊंगा आई विल यूज द फॉर्मूला बार यहां पर टाइप नहीं करना है फॉर्मूला बार में जाना है इक्वल्स टू आई विल गो विद दिस कैलकुलेशन और इसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा एंटर नाउ दिस इज शोइंग ट्रेंड एनालिसिस फॉर साउथ रीजन कंट्रोल बी से मैं बोल्ड कर देता हूं साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ग्रेट नाउ व्हाट वी कैन डू वी कैन हाइड दिस वन आप चाहे कैलकुलेशन को हाइड कर सकते हो हाइड इवन यू कैन हाइड द डेटा हाइड परफेक्ट देखा आपने किस तरह से We can create interactive dashboard using hyperlink function. Hyperlink function तो हमने use किया है, but the heart of this one जो बाद में हमने देखा, which is the send data function जो हमने create किया, small piece of code. इसको अगर आपको save करना है, तो you must save this file in a macro enabled workbook. Macro enabled workbook में आपको save करना है, ये normal Excel workbook में save नहीं होगा, because we have a code into this one. So ये code है and every file that contains a code should be saved in macro enabled workbook so the extension is xlsm so friends I hope you enjoyed this trick and I'm sure you will implement this trick in your offices agar aapko ye video acha laga to like karna na bhule and please share this video with all of your friends and colleagues now you can download the file from the link given in the description box aur agar aapko is related koi bhi queries hai jo aaj humne dashboard mein sikha Please leave a comment in the comment section. So, दोस्तों very important. अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स बिकॉज ये आपका चैनल है और आगे आने वाले टाइम में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे जिससे आपकी ग्रोथ और बढ़ती रहेगी टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे